अभी हम लोग सुबह के 3 बजे निकल चुके हैं पुरी की ओर। पहले हम लोग का स्टॉप है चांदीपुर में, फिर हम लोग अगले दिन निकल जाएंगे पुरी के लिए। तो गाइस अब बज रहे हैं सुबह के 6 और अब फाइनली सुबह हो चुकी है। अभी मैं गया में रुका हुआ हूँ, मतलब कि अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे। मेरे नानी घर है यहाँ पे, मेरी नानी भी मेरे साथ चल रही थी, उनको यहीं पे स्टे करना था। हम लोग यहाँ पे नानी को छोड़ेंगे और फिर निकलेंगे पुरी के लिए। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पुरी नहीं जाएंगे, यहाँ से पहले हम लोग उड़ीसा में चांदीपुर रुकेंगे, चांदीपुर से फिर अगले दिन वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। और जैसे तो गाइस अब फाइनली अब हम लोग निकलने वाले हैं, मम्मी पापा लोग बात कर रहे हैं पीछे और अब निकलते हैं अब जल्दी से। अब गाइस हम लोग पेड़ों की टनल से गुजर चुके हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली अब झारखंड में एंटर कर चुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग अपनी ही गाड़ी लेके जा रहे हैं जंगल सफारी पे, और ये है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। ठीक तो है, छोड़ दो ना उसे। गाइस अभी हूँ मैं हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। भाई यहाँ पे हम लोग ना सफारी करने आए थे, वो भी अपनी गाड़ी से। मेरी गाड़ी पीछे देख सकते हैं आप, काला कलर की, वह उसी गाड़ी से हम लोग यहाँ पे सफारी करने आए थे। भाई बहुत मज़ा आया, हम लोग को एक हिरण भी दिखा। और अभी हम लोग को 10 किलोमीटर वापस लौटना भी है, और यहाँ पर एक लेक है। और अब यहाँ से अभी थोड़ी देर निकलेंगे थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद। भाई ये अपनी गाड़ी के हाल है इतना देर बाद चलने के बाद, पीछे से मस्त हाल हुआ है। तो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं वापस से चांदीपुर के लिए। हम लोग अपनी जंगल सफारी अब खत्म कर चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग रांची से थोड़ा पहले हैं। यहाँ पर थोड़ा सुबह से नाश्ता नहीं किए, बस 2 गिलास गन्ने का जूस पिया हूँ मैं, अम्मी मम्मी पापा 1 गिलास, और हम लोग उसके अलावा कुछ नहीं खाए थे सुबह से। तो अभी 11:15 बज रहे हैं अभी, और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं दुस्का खाने हाईवे पे। तो अब खा के निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग चांदीपुर से 46 किलोमीटर पहले हैं। थोड़ा सा अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं चांदीपुर, और यहाँ पे होटल में भी आके रुक चुके हैं।
मैं दिखाता हूँ आपको हमारा होटल का रूम कैसा है। तो वहाँ हमारी माता श्री, यहाँ पे बेड है, वहाँ एसी लगा हुआ है और ऐसा रूम है। और इधर ये ड्रेस चेंजिंग एरिया है, जो भी अंधेरा है अभी, इसमें लाइट ऑन नहीं है। और यहाँ बाथरूम है, काफ़ी फ्रेश है। और